आज पतंजलि योगपीठ में हर साल की तरह आयुर्वेद मनीषी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का जन्म दिवस जड़ी बूटी दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धेय आचार्य जी को बधाई देने के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री श्री पीपी चौधरी, श्री वेद प्रताप वैदिक जी, पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, माता सुभद्रा जी, पूज्य मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य संत इकबाल सिंह जी व अन्य गणमान्य व्यक्ति पहुंचे थे। सभी गणमान्य व्यक्तियों का फूलमाला से श्रद्धेय आचार्य जी ने स्वागत किया। मंच पर बहन सुमन व अन्य बहनों एवं आचार्य कुलम के बच्चों ने श्रद्धेय आचार्य जी को तिलक लगाकर उनकी दीर्घ आयु की कामना व प्रार्थना की। इस विशेष कार्यक्रम में श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में रचित कई पुस्तकों का विमोचन स्वामी जी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के कर कमलों से संपन्न हुआ। जिन पुस्तकों का विमोचन प्रातःकाल हुआ वो थी शास्त्रीय पुस्तकें राज निघंटू, हृदय दीपक निघंटू, मदनपाल निघंटू, सोढ़ल निघंटू, वैद्यशत श्लोकी, ग्रो विथ योगा, योग और बचपन, विचार क्रांति, मन के मन के। इन पुस्तकों के अलावा आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य का अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसका आज विमोचन किया गया। आज पॉलिश, हंगरियन, अल्बेनियम व नेपाली भाषा में अनुवादित पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके बाद वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। आज के पावन दिन में पतंजलि योगपीठ में ऋग्वेद पारायण महायज्ञ व हवन भी किया गया। आप सबको मेरा प्रणाम, वंदन। मंच पर परम श्रद्धे परम वंदनीय आचार्य श्री प्रद्युमन जी महाराज, जिनके तप और पुरुषार्थ से, जिनके अथक परिश्रम से हमारी नई पीढ़ी जो वैदिक संस्कृति के साथ में राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रही है, ऐसे महान आचार्य, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं। हम सब के प्रेरणा के स्रोत परम श्रद्धेय वंदनीय, जिनकी प्रेरणा से, जिनके ऊर्जा से, जिनके उत्साह और साहस से हम सब उत्साह और साहस प्राप्त करते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी। और आज इस पावन अवसर पर मैं लेकर के आया हमारी परम पूज्या वंदनीय माता सुभद्रा जी, जिन्होंने तपोवन में जहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है, जहाँ आदमी एक दिन भी मुश्किल से रह पाता है, स्त्री शरीर में होते हुए भी 9 वर्ष तक उस जगह पर अनवरत जिन्होंने तप किया, ऐसी हमारी पूज्य माता जी। और अभी हमारे सम्मुख पधार रहे हैं परम श्रद्धेय वंदनीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हमारे पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आपका भी हमको बहुत आशीर्वाद रहता है। और इस अवसर पर कभी कोई नेता को इतना सुबह सुबह कहीं पर किसी ने देखा होगा? यह पब्लिक कार्यक्रम में सिर्फ भावना से और दिल से, जो हृदय से जुड़े हुए हैं, हमारे ऐसे भाई नितिन गडकरी जी, जिनको एक आदर्श भारतीय राजनीति में एक आदर्श के रूप में देश देखता है, और हमको गर्व है कि ऐसा व्यक्तित्व वह पतंजलि योगपीठ से दिलो जान से जुड़ा हुआ है। तो माननीय गडकरी जी को भी मैं बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि इस प्रातः काल में बहुत व्यस्तता है, आज बहुत सारे काम हैं, पर सब काम में भी उन 24 घंटों में व्यक्ति उन चीजों को समय देता है जो वह महत्वपूर्ण समझता है, ऐसा महत्वपूर्ण मानते हुए आप प्रातः काल के इस बेला में यहां पहुंचे, आपका बहुत अभिनंदन है। माननीय श्री हमारे पीपी चौधरी जी, अभी यह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं,
ये पतंजलि योगपीठ से पूरे तहदिल से पहले से जुड़े हुए हैं। चौधरी जी को भी हमारी बहुत शुभकामनाएं और बहुत उनका अभिनंदन, और साथ में हमारे माननीय वेद प्रताप वैदिक जी, हम बच्चों के जैसे मुस्कुराहट और ओजस्वी और महान विद्वान ऐसे हमारे वैदिक जी, इनके लिए जितना भी शब्द बोले उतना कम है, इनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और साथ में हमारे मंच पर सुनील जोगी जी हैं और बाकी हमारे पूज्य स्वामी जी हैं, आर्य जी हैं, सभी लोग जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं, और हमारे सभी विद्वज्जन हैं, हमारे संगठन और संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं, और आप सबका भी हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। क्योंकि आज की यह प्रातः काल की वेला वह आप सबके द्वारा आपकी चेहरों की मुस्कुराहट से, प्रसन्नता से ही पूरे देश को प्रसन्नता प्रदान करने के रूप में हम आज यहाँ पर मना रहे हैं। पतंजलि योगपीठ ने कभी किसी भी चीज की कोई नकल नहीं की है। प्रारंभ से इसकी जो उत्पत्ति है वह तप से और एक सोच और दृढ़ संकल्प से इसकी उत्पत्ति हुई। इसका जो प्रारंभ है वह हिमालय में तप करके उस तप से प्राप्त शक्ति और ऊर्जा से योग और आयुर्वेद के द्वारा पूरी देश और दुनिया को किस तरह से हम अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ सकते हैं, किस तरह से हम रोगों को दूर कर सकते हैं, किस तरह से लोगों के जीवन के अंदर जो संघर्ष है, विषमताएं हैं, दुख दारिद्र है, अशांति है, अभाव है, उनको कैसे मुक्त कर सकते हैं, इस सोच से यह प्रारंभ हुआ था। तो यह अपने आप का एक अनूठा संगठन, एक अनूठी संस्था, परमपिता परमात्मा की कृपा से यह प्रारंभ हुआ, और यह परमात्मा की कृपा आज करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग मस्तिष्क का एक अपना संगठन और अपनी संस्था बन चुकी है। ये हमारे लिए परम हर्ष और गौरव की बात है। उसके लिए मैं संपूर्ण देशवासियों को आज इस अवसर पर बधाइयां अर्पित करता हूं, प्रणाम अर्पित करता हूं, वंदन अर्पित करता हूं। आज के लिए भी, क्योंकि 4 अगस्त तो यह तो बहाना है, जड़ी बूटियों को लगाने के लिए, उगाने के लिए, आप सब जानते हैं जहां भी पेड़ पौधे हमको दिखाई देते हैं, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कुछ हमको अपना रिश्ता सा लगता है, कुछ कुछ अपनापन सा लगता है। इसलिए उन जड़ी बूटियों को थोड़ा निकट महसूस करने का यह अवसर है, स्वयं महसूस करते हुए आप सबको भी महसूस करा सकें, ये हमारा लक्ष्य और यही ध्येय है। इसकी शुरुआत हमेशा 4 अगस्त को हम पुनः एक ऊर्जा और एक पूरे उत्साह के साथ हम प्रारंभ करते हैं। आज मैं यहाँ पर हमारे भाई खड़े हैं पतंजलि योगपीठ में, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आयु, क्योंकि आयु जो है, लोग सोचते हैं कि आयु बढ़ रही है। जब कोई जन्मदिन मनाते हैं या इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो लोग कहते हैं कि आयु बढ़ रही है। मैं कहता हूं कि आयु बढ़ नहीं रही है, आयु घट रही है। तो घटती हुई आयु को रोकने का एक ही उपाय है, क्योंकि वह तो बढ़ेगी ही, पर उसको रोकने का उपाय यह है कि कुछ हम ऐसे छाप छोड़ जाएं जिसके द्वारा लोगों को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले, लोगों को कहीं से सीखने का मिले। यदि उसमें हम अंश मात्र भी कुछ कर पाए तो आयु आए, रहे, बढ़े या घटे, पर चीजें देश और दुनिया के लिए, उनको बढ़ने के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए, लोगों के जीवन को, आयु को प्रदान करने के लिए सहयोगी बनेंगे। तो उस तरह से कार्यों में मैं आज बताना चाहता हूं, ये हमारे दोनों भाई डॉक्टर महेश विश्नोई जी और भाई आलोक जी, ये दोनों आए हैं, और आपको आज सबसे पहले माननीय गडकरी साहब, यहीं से खुशखबरी मैं शुरू करना चाहता हूं। आज हम लगभग 44 साल के हो गए, लोग कहते हैं, हम तो सोच रहे थे कि 44 वर्ल्ड रिकॉर्ड होनी चाहिए, पर आज हम 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड की यहां से अभी ये भाई लोग घोषणा करने वाले हैं। आज प्रतीकात्मक सर्टिफिकेट एक देंगे, बाकी क्योंकि इतने इनके पास अभी लेकर के भी नहीं आए, बनाना पड़ता है, वो बाद में ये देंगे, और 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे, और 22वां बनेगा कि एक दिन में किसी संस्थान के द्वारा सर्वाधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इस तरह से तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पतंजलि योगपीठ के अंदर में किन किन चीजों में मिल रहा, मैं थोड़ा शीघ्रता से बताना चाहता हूं। हमारे मन में एक तमन्ना थी, यह हमारा आयुर्वेद, हमारा योग,
सबसे प्राचीन विधा होने के बाद में भी व्यवस्थित रूप से कोई कहीं पर संग्रहालय के रूप में उन आयुर्वेदिक विधाओं को, उन योगिक विधाओं को प्रदर्शित करता हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। तो पतंजलि योगपीठ ने सर्वप्रथम पतंजलि यहाँ पर योग और आयुर्वेद का एक बड़ा म्यूजियम संग्रहालय बना करके तैयार किया है, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके विषय में। किसी सरकारी सहयोग से नहीं, सरकारी अनुदान से नहीं, अपितु श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ और आपके सहयोग से वो निर्मित हुआ है। उसके लिए यह हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले हमको यह वर्ल्ड रिकॉर्ड का यह सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। इसी तरह से मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जड़ी बूटी के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है और उसके लिए पेंटिंग्स के लिए पूरा जो कैनवास के ऊपर पेंटिंग 2.5x3 का एक बड़ा जो पेंटिंग साइज होता है, उस तरह के कैनवास पेंटिंग हमने प्रयास किया कि कितने हैं पूरी दुनिया में। तो सबसे बड़ी संस्था है वह रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जो लंदन में स्थित है। उसके अंदर जो है वह करीबन हमने सुना कि 10,000 के लगभग वहां पर वह कैनवास पेंटिंग्स हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, वो जो 10,000 पेंटिंग्स हैं वह जड़ी बूटी की नहीं, वह टोटल पेड़ पौधों के हैं। उसमें जड़ी बूटियां भी हैं तो बाकी दूसरी वनस्पतियां भी हैं। पतंजलि योगपीठ ने 18,000 से ज्यादा कैनवास के ऊपर जो पेंटिंग्स हैं वो तैयार किया है और वह जड़ी बूटियों का पेंटिंग है। और वह कैनवास का जो कपड़ा होता है, यदि उसको लंबाई में मापा जाए तो करीबन 4 किलोमीटर से ज्यादा होता है। इतना ज्यादा बड़ा काम हुआ है, वह यहाँ पर पूरा हम लोग बड़े म्यूजियम में उसको रखने वाले हैं। तो उसके लिए ये गोल्डन बुक वाले हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कर रहे हैं और भाई पवन जी और उनको उनकी टीम इसके लिए कम से कम सैकड़ों आर्टिस्ट बरसों से लगे हुए हैं, उसके द्वारा यह तैयार हुआ है, उनको हमारी बधाइयां। इतना ही नहीं, यहां पर यहां जो दिव्य नर्सरी है ये देखने में बहुत छोटी लगती होगी, ये मात्र 7 एकड़ के लगभग भूमि पर 900 से ज्यादा आयुर्वेद की जड़ी बूटियां यहां पर लगी हुई हैं। देश का यह पहला संस्थान है जो 8 एकड़ में, दुनिया का पहला संस्थान है जहां 8 एकड़ में 900 से ज्यादा प्रजातियों की जड़ी बूटियां जहां पर लगाई गई है। उसके रूप में यह अधिकतम जड़ी बूटियां छोटी सी जगह पर लगी हुई हैं, लाइव उपलब्ध हैं, उसके लिए यह वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। ये आपका हुआ तीसरा नंबर। चौथा नंबर पर विश्व में आपकी जानकारी के लिए आप सबके घर में वह पुस्तक जरूर होगी और एक पुस्तक छापना और कोई पढ़े ये थोड़ा कठिन काम होता है, आयुर्वेद का विषय हो, जड़ी बूटी का विषय हो, और वह पुस्तक 1 करोड़ से ज्यादा संख्या में वितरित हो जाए, बिके, लोग पढ़ें, प्रकाशित हो, ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। वह भी आप सब की भावना ही कर सकती है। 1 करोड़ से ज्यादा पुस्तक बिकने के लिए, 1 करोड़ से ज्यादा पुस्तक प्रकाशित होने के लिए औषधि दर्शन पुस्तक को ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये लोग उसको दर्ज कर रहे हैं। आपकी प्यारी सी पुस्तक औषधि दर्शन, वो पुस्तक भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद में अगला सबसे बड़ा काम, गडकरी साहब सरकार को 2.5 साल हो गए, मैंने एक काम शुरू किया था 3-3.5 साल से। हिंदुस्तान की एक ताकत है, हमारे यहाँ जो विद्या, प्राचीन विद्याओं का जो अथाह भंडार है वो बहुत बड़ा भंडार है। पांडुलिपि मिशन के रूप में सरकार का भी एक प्रयास चल रहा है, परंतु मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा, वो कहते हैं कि हम लोगों ने तो लोगों से लिख करके ले रखा है, हम किसी को दे नहीं सकते, दे नहीं सकते तो उसको तो दिमाग लग जाएंगे। हमने कहा भाई अनुसंधान के लिए हमको दे दो, मैंने कई बार प्रयास किया, तो उसके लिए भी आप ही कर सकते हो, आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, तो ये तो निवेदन भी आपसे। तो मैं बता देना चाहता हूं वैदिक जी, आप तो वैदिक हो, विद्वान हो, हमने मात्र 3 साल में आयुर्वेद की दुर्लभ अप्रकाशित जो 1400-1500 साल पुरानी ग्रंथ थे, 17 ग्रंथों का प्रकाशन किया है। ऐसा प्रकाशन सरकारी गैर सरकारी संस्थान ने एक साथ कभी किया ही नहीं, अभी तक भी नहीं किया, बड़े बड़े रिसर्च वालों ने भी। हमने मात्र 3 साल में 17 पुस्तकों का प्रकाशन किया, इसके लिए ये हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान कर रहे हैं।
ये सारी मेरी पूरी टीम जो भाई बहन लगे रहते हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। हमारी अकेले की कोई हैसियत नहीं है कि हम सारा काम करें, ये तो आगे हम रहते हैं, काम सब पीछे करते हैं। पीछे के सारे मेरे जो पिलर्स हैं, मेरी ताकतें हैं, उनको भी आप एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से ताली से वो करिए। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, दैवीय आपदाएं आती रहती हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ मानव निर्मित हैं, कुछ प्रकृति प्रदत्त हैं, परंतु हम सेवा के द्वारा उस आपदा को कुछ कम करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। चाहे बिहार बाढ़ पीड़ा की बात हो, चाहे वो साउथ में सुनामी की बात हो, चाहे नेपाल में भूकंप की बात हो, चाहे उत्तराखंड में त्रासदी की बात हो, पतंजलि योगपीठ ने सबसे आगे बढ़ करके और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हमने कार्य किया है। हमारी टीम ने, हमारी पूरे संगठन ने काम किया है। पूरे संगठन को, पूरी टीम को, जो रात दिन समर्पित भाव से बिना किसी लालसा के, उनको कोई राजनीतिक पद नहीं चाहिए, उनको उसके लिए कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उनके लिए कोई मान सम्मान और पैसा नहीं चाहिए। सिर्फ श्रद्धेय स्वामी जी का आदेश है, हमें देश की सेवा करनी है, देश की भाई बहनों की सेवा करनी है। इस भावना से लगे हुए लाखों लाखों हमारे भाई बहनों का अभिनंदन वंदन करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के त्रासदी के बाद में मात्र 10 महीने में 1.5 लाख से ज्यादा एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपदा पीड़ितों की राहत के लिए कम समय में निर्मित करने के रूप में ये हमको गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये दर्ज करा रहे हैं। और इसके आगे मैं कहना चाहता हूं, आज का दिन जड़ी बूटी का दिन है और बहुत लोगों को जो संगठन से, संस्था से जुड़े हुए हैं, वो जड़ी बूटियों को आज वितरण करते हैं, रोपण करते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो एकलव्य की तरह से न हम उन तक पहुंच सकते हैं, परंतु उनकी भावनाएं हमारे साथ हैं, इसलिए उस काम को कर रहे हैं। आज 6 लाख से ज्यादा जड़ी बूटियों का रोपण एक ही दिन में होने जा रहा है, इसके लिए भी हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर पतंजलि संस्थान को सम्मिलित किया जा रहा है। 6 लाख से ज्यादा जड़ी बूटियों का आज एक साथ एक दिन के अंदर यह रोपण होगा, वितरण होगा। और यहाँ पर पतंजलि योगपीठ परिसर में भी आज हम 1 लाख से ज्यादा जड़ी बूटियों का वितरण करने वाले हैं। आपको भी जो जड़ी बूटियां चाहिए तो मिल जाएंगी, तो वह जड़ी बूटियों को 1 लाख से ज्यादा वितरण करने के लिए भी एक साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, उसको भी ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आज उसको रिकॉर्ड में सम्मिलित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंगल ड्रग आयुर्वेद में वैसे बहुत सारे औषधियों का वर्णन है, आयुर्वेद के अंदर विविध औषधियां हमारी विशेषताएं हैं, तो उन औषधियों को, सारी औषधियां सबसे ज्यादा कौन प्रयोग करता है भारतवर्ष में बनाने के लिए, यदि ऐसा करते तो वो भी हम ले आते रिकॉर्ड, वो तो आज हम नहीं कर रहे हैं। परंतु हमने देखा कि सिंगल ड्रग की एकल औषधि, कोई भी औषधीय द्रव्य सबसे ज्यादा कौन प्रयोग करता है, तो वह पतंजलि योगपीठ करता है। उसमें बहुत जड़ी बूटियों की संख्या है, जैसे आंवला है, आंवला को हम 30,000 टन से ज्यादा प्रयोग करते हैं जूस के रूप में, और वह च्यवनप्राश के रूप में, त्रिफला चूर्ण के रूप में, तो सिंगल औषधि को सर्वाधिक, आप सोचिए 30,000 टन आंवला प्रयोग जब होता है तो कितने जीवनों, किसानों के जीवन में खुशहाली आती होगी, और उसको खा करके कितनों का सेहत बनता होगा, उसको भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन भाइयों को भी, ये 3 दिन से यहाँ पर हैं, ये एक एक चीज को चेक कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं देते ये उठा करके, और फिर कहते हैं नहीं एक बार हम अपने हेड ऑफिस से भी पूछेंगे। तो हमने कहा सारी धरती से पूछ लो, जो है वो तो है, जो नहीं है वो कहीं नहीं है। तो इसीलिए यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हो रहा है। और हमारे यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से कई लोग सोचते हैं अब तो लोगों को पता चल गया, लोग कहने के लिए कहते हैं पतंजलि वाले तो शायद पता नहीं कहां से दवाई बनाते हैं। अरे भाई, दवाई बनाते हैं तो आकर के देखना हो तो पतंजलि योगपीठ ही एक ऐसी संस्था है। पतंजलि आयुर्वेद के एक स्थान पर हमारे पास 3 लाख से ज्यादा जड़ी बूटियां रखने का रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल वेयर हाउस है। इतनी बड़ी जड़ी बूटियों का एक जगह पर संग्रहण दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, उसके लिए यह हमको इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित कर रहे हैं। और श्रद्धेय स्वामी जी
आप देखते हैं, आपको लगता होगा मात्र लगभग 10 वर्षों में, 2000 से अधिक दिनों में, 5000 घंटे से ज्यादा लाइव प्रोग्राम, गडकरी साहब 5000 घंटे 2000 दिन, इतना लाइव प्रोग्राम श्रद्धेय स्वामी जी ने दिया है दुनिया को। मुझे लगता कि यह रिकॉर्ड शायद कभी, क्योंकि अभी तो महाराज जी का कंटिन्यू चल रहा है, यह इतना हो जाएगा कि कोई आसपास में भी नहीं होगा। यह श्रद्धेय स्वामी जी के योगदान को हम कहीं उस ऋण को नहीं चुका सकते हैं, परंतु हम स्मरण करें, इसके लिए इन्होंने अपने रिकॉर्ड में सम्मिलित किया। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी जोरदार करतल ध्वनियां। और हमारे स्वामी जी का तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और श्रद्धेय स्वामी जी ने हमको, मेरी तो इच्छा नहीं थी, पर श्रद्धेय स्वामी जी कई बार ऐसा मेरे से काम कराते हैं कि करना पड़ जाता है, तो मजाक मजाक में जड़ी बूटी कार्यक्रम को रिकॉर्डिंग करके हमने करना शुरू किया था। तो लगभग 10 वर्षों में सर्वाधिक जड़ी बूटी संबंधित कार्यक्रम के रूप में कोई भी दूसरा कार्यक्रम जड़ी बूटी का इतने लंबे समय तक प्रसारित हुआ हो, ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है। और इससे आप सोचिए कि आज घर घर में लोगों ने जो जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया है, पेड़ पौधों को जो पाया है, तो उस रूप में यह जड़ी बूटी वाला कार्यक्रम भी सर्वाधिक लंबे समय तक प्रसारित होने वाला आयुर्वेद का कार्यक्रम के रूप में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे गोल्डन बुक्स वाले सम्मिलित कर रहे हैं। इनको बधाई दे दो, हमको भी दे दो। और आयुर्वेद की सेवा में, क्योंकि जहां आयुर्वेद की बात आती है, यह हमारा सौभाग्य है, परमपिता परमात्मा की कृपा है, आप सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग है। और इधर आंसू और पारुल बहनें बैठी हैं, जो मेरा जो फेसबुक अकाउंट है, जो वो नियमित रूप से वहां पर जड़ी बूटियों का, नुस्खों का डालने का, देखने का वो काम करती हैं। तो अभी भी आयुर्वेद का विश्व में जड़ी बूटियों का सबसे बड़े पेज के रूप में हमारा जो फेसबुक और ट्विटर आदि में यदि इकट्ठा करते हैं, जो फेसबुक का जो हमारा पेज है आचार्य बालकृष्ण, करीबन करीबन 45 लाख लोग हमारे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, रीच जो है करीबन 1.5 करोड़ लोगों तक यह पहुंच है, उसको भी यह सम्मिलित कर रहे हैं यह आपके गोल्डन बुक वाले भाई। और मैंने सोचा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कई कॉन्फ्रेंसेज में मैं गया, लोग बात करते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं गिनाते हैं, वो सही है, समस्याएं गलत तो नहीं है, कि वो कहते हैं कि हमको आयुर्वेद को औषधि की मान्यता प्राप्त नहीं है, बात सही है। वो कहते हैं कि हमारे पास जितना भी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो लैब होने चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, वो सब भी करना चाहिए। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से आज पूरी दुनिया में योग शब्द सर्वाधिक प्रचलित शब्द है, यानी कि जिस शब्द के अर्थ को सब जानते हैं, सारी भाषा भाषी जानते हैं, अनपढ़ भी जानता है, गांव का भी जानता है, लगभग योग का मतलब और कुछ भी नहीं, तो लोगों को ये तो पता है कि हाथ पैर उठाना है, फूफा करना है, आंख बंद करके बैठना, तीन विधा को तो सबको पता है। योग मतलब तीन चीज, आंख बंद करके बैठना, हाथ पैर हिलाना और सांस फूफा करना, बाकी पता हो ना हो। तो जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने पहुंचाया, मैं आज नम्रतापूर्ण ढंग से महर्षि महेश योगी जी को याद करता हूं। आयुर्वेद शब्द को भारत से बाहर यदि किसी व्यक्ति ने प्रचारित किया, तो वो महर्षि महेश योगी थे, उससे पहले किसी ने इस लेवल पर नहीं किया। उस आयुर्वेद को लोगों ने हर्बल मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट, हम यही करते रहे, परंतु हमने सोचा कि आयुर्वेद को कैसे प्रचारित किया जा सकता है। तो गडकरी साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, विदेश के 10-15 भाषाओं में भी आयुर्वेद के साहित्य उपलब्ध नहीं है। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात थी, जिन देशों में आयुर्वेद का साहित्य ही नहीं है, आयुर्वेद को जानते ही नहीं है, आयुर्वेद शब्द से परिचित ही नहीं है, तो आयुर्वेद के प्रति आकर्षित कैसे होंगे, ये बड़ी समस्या थी। भगवान की कृपा से हमने एक पुस्तक द साइंस ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद सिद्धांत के रूप में पुस्तक तैयार की। उस पुस्तक को लोगों ने हाथों हाथ लिया,
और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में आज वो करीबन करीबन 60 प्रकाशकों के द्वारा 60 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। कुछ हमारे प्रकाशक प्रकाशिकाएं यहां पर हैं, तो दुनिया में सर्वाधिक जो एक लेखक की पुस्तक अधिकतम आयुर्वेद की पुस्तक अधिकतम प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित करने के रूप में उस रिकॉर्ड को यह सम्मिलित कर रहे हैं। इनको हमारी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पुस्तक तो लिखते हैं, वो स्वयं प्रकाशित करते हैं, पर दुनिया के प्रतिष्ठित लोग प्रकाशित करें, उस देश के प्रकाशक प्रकाशित करें, यह पहली घटना है। उसके लिए भी आप सबको बहुत बधाइयां, अपनी तालियां बजा लो। और आज एक और बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। माननीय गडकरी साहब से हम अभी कुछ विमोचन कराएंगे कुछ पुस्तकों का, बाकी आज दिन भर में जो आयुर्वेद सिद्धांत तरह से पुस्तक है 17 भाषाओं में आज एक ही दिन पर विमोचन होगा, अलग अलग प्रकाशकों से प्रकाशित का होगा, यह भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हो रहा है। और अष्टांग आयुर्वेद के सिद्धांतों का प्रदर्शित करने वाला 1 टन से बड़ा पूरा मेटल का धातु का वृक्ष वो लगभग बन करके तैयार है, पहुंचने वाला है, हमारे म्यूजियम में लगेगा। उसके लिए भी यह हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत बधाइयां। और योगग्राम आज वह दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर के रूप में, सबसे बड़ी जगह पर सबसे अधिकतम लोगों की फैसिलिटी के रूप में उसको भी यह सम्मिलित कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत बधाइयां। और हमारे पास पूरे एविडेंसेस थे बहुत दिन से, और सब लोग जानते हैं जो योग ग्राम जाते हैं, योग ग्राम को मात्र 68 दिनों में हमने उसको निर्माण किया था, भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक 69वें दिन हमने वहां पर 600 लोगों का श्रद्धेय स्वामी जी ने शिविर लगाया था। तो उस कम से कम समय पर निर्मित होने वाला योग और नेचुरोपैथी संस्थान के रूप में भी ये भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको सम्मिलित करते हैं। तो लगभग शायद मेरे को लगता है संख्या पूरी हो गई होगी, तो एक दिन में किसी संस्था द्वारा सर्वाधिक विश्व रिकॉर्ड बनाने के रूप में यह उसको भी रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयां और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता, और माननीय गडकरी जी को जो है आज इस अवसर पर सम्मिलित होकर के इस आनंद की वृष्टि को और वृद्धि करने के लिए बहुत